दोस्तों सैटरडे हमारा स्पेशल काम होता है, बोले तो आटा पिसाना। इधर से हमारी गणेश जी आटा पिसवाने के लिए आए, उनका बाल पूरा सफ़ेद हो गया है, मेरा भी थोड़ा थोड़ा। मैं बाहर में बैठी हूँ बाइक के ऊपर और मैं गणेश जी को दिखाती हूँ उनका भी कैसा हाल हुआ, नाक में कान में बाल चारों तरफ। गणेश जी से हमारे गेहूँ हो गया है पिसाया हुआ। और दोस्तों सैटरडे हमें टाइम मिलती है तो हम लोग यही चिल्लर चाकर काम करते हैं, जितना काम हो सके सारा कुछ, मतलब पूरा सप्ताह में जो जो लगेंगे वो सारा दे के अपना काम में निकलते हैं सोमवार से। इधर देखिए ना जी, जोहार दोस्तों, मैं सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। जी। दोस्तों अभी हम लोग गए थे पैथोलॉजी के पास और वहाँ पे कुछ टेस्ट है, दिखाइए थोड़ा सा, चार पांच उस फाइल में, तो वो टेस्ट करवाना है। सोनोग्राफी का डेट हमारा दिया है, हमने पता किया, तो ये हो जाएगी हमारे 6 मंथ में, मेरी 6 मंथ चलेगी, 23 तारीख को शायद, 23 तारीख तब डिले होने के कारण 1 महीना ये हो गया। और ये जो है मैं आपको बैक कैमरा कर, कौन वाला है गणेश जी, ये सारी टेस्ट करना है अभी हमको, HPCL, HIV, HBS, VDL, RL और ये यूरिन। इनका खर्चा अभी 1600 बोले 1600 लगेगा आप लोग को। तो अभी कुछ एक पाउडर दिया, पाउडर दिखाइएगा जी, वो पाउडर पी के बोले 1 घंटा बाद आप आइए, ये पाउडर अभी पूरा मुझे पीना है। और यूरिन टेस्ट करेंगे, ये सारा टेस्ट वेस्ट होगा और शायद 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट देंगे और फिर रिपोर्ट लेके जाएंगे वही मैम के पास जहाँ पर मैं अपना चेकअप करवा दूँ, है ना जी। तो अभी पाउडर पी लेती हूँ, पीने का तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, इतना सारा पाउडर, अब पता नहीं इसकी टेस्ट कैसी होगी यार। कौन कौन ये पूरा पाउडर पिए हैं प्लीज कमेंट में बताइएगा, या मुझे ऐसे ये जबरन पिला रहे हैं। अरे डॉक्टर ने लिखा है, डॉक्टर ने पूरा थोड़ा ना, 1-2 चम्मच पूरा पीना है, पूरा पीना है, आधे लीटर पानी में पूरा डाल के पीना, जल्दी करो। दोस्तों अभी जहाँ गए थे वो बोले 1 लीटर पानी में ये पूरा घोल के पीना है, 1 लीटर पानी मुझे अभी पी के निकलना है, बताइए। जैसी ये सारा मैंने दे दिया, अतिदेव जी सब दे दिए हैं, मैं इधर पानी पिला, लो पियो जल्दी। तो इधर से मेरी धर्मपत्नी वो पाउडर जो मिला था, मैडम ने लिख के दिया था दवा खाने से, तो वो पाउडर अभी पी रही है, पर बहुत ही, इनके दोस्त ने कहा था हाँ। कि ऐसे भाभी नहीं कुछ भी खाएगी, क्योंकि उनका भी जब वाइफ प्रेग्नेंट थी तो वो भी क्या करते थे, उनको उनके लिए कुछ भी लाते थे, वो आधा वो खाते थे तो या पीते थे। ये पाउडर अभी मैं पीऊंगा, थोड़ा सा तो पीना चाहिए ना, 1 लीटर पानी में तुरंत पी सकते। अरे मैडम ने आपको लिख के दिया, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, दिखाओ पाउडर कौन सा है, कहाँ रखा आपने, पिया है ना, डाला ना पानी में पक्का, सब डाला मैंने उनका, दिखाओ पैकेट, दिखाओ पैकेट, दिखाओ ये, हाँ जल्दी पियो फटाफट। दोस्तों उधर से डॉक्टर घर से आए और डॉक्टर घर से देखे आप लोगों ने इतना सारा ब्लड निकाल लिया, तो इतने सारे टेस्ट होते हैं ना पता ही नहीं होती सच में, मतलब माँ बनना बहुत नसीबों की बात होती है। और अभी जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे दोस्तों मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, एक भी खिड़की नहीं है, आप मेरा हाल देख सकते हो, इतनी गर्मी है और अभी कुछ ज़्यादा ही, और सिर्फ यहाँ पे जो है किचन, बस किचन में एक खिड़की है, और छोटी के लिए मम्मी एक कूलर लेके आई, उसको तो थोड़ा चाहिए ही क्योंकि उनको गर्मी बहुत होती है, हम लोग को भी होती है, लेकिन पेशेंट है ना तो उनको अलग ही गर्मी होती है, ऐसे भी वो मतलब अलग रहती है,
हमारे जैसे तो रहती नहीं, उसके लिए बोलो और उसका माइंड थोड़ा शांत रहेगा, तो उसके लिए दीदी और मम्मी ने कूलर ला दिया, अभी वो ठीक है। ज़्यादा गर्मी होने से वो ऐसे ही बाहर चली जाती है और माहौल फिर गर्म, अगल बगल के बहुत सारे भारी कर रहते हैं। और गणेश जी बोल रहे कि आपके लिए भी एक कूलर ले आती हूँ, उस रूम में तो हो गया, अब इसमें भी लगा लेती हूँ। और मैं इसलिए इनको कूलर लेने के लिए मना कर रही हूँ कि अगर हम लोग कूलर ले आए, ऐसे ही हमें और भी भाड़े करे हुए हम लोग को देख नहीं पाते, तो पसंद ही नहीं करते हम लोग ऐसे रहते, हमारी छुट्टी ऐसी रहती, तो खास करके उसके लिए तो बिल्कुल ये लोग पसंद नहीं करते। लोग चाहते कि ये जितना जल्दी हो निकले, और अभी कूलर लेके आएंगे, कूलर लेके आएंगे तभी बोलेंगे लोग तो पूरा जम गया, ऐसे ही बोलते हैं, जम गया मतलब यहाँ रह गया, ये लोग छोड़ेगा कि नहीं घर। तो इसलिए हम बोले छोड़ दीजिए ना, दो महीना में कैसे भी करके काट लूंगी। लेकिन गणेश जी सुनी नहीं कि नहीं नहीं इतना गर्मी में, लेकिन सच में पहले मुझे इतना गर्मी नहीं हो रही थी, जब से मैं इस हालत में हूँ तब से शायद मुझे पता नहीं किस कारण बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती। रात भर में सोती नहीं, बस ऐसे बैठती हूँ उठती हूँ रात काटती हूँ। मतलब अगर मैं ठीक से सोऊँ तो सिर्फ दो घंटा में 15 मिनट बाद मेरी अपने आप नींद खुल जाती है, फिर बैठती हूँ, फिर 15 मिनट सोती हूँ, ऐसे करके 2 ही घंटा नींद आती है। मैं नहीं, मेरे गणेश जी खुद बोलते हैं कि आप बिल्कुल नहीं सोते हो। रात के 12 बजे तक तो मैं ऐसे ही घूमते रहती हूँ, 12-1 बजे तक ऐसे ही धीरे धीरे आना जाना। तो अभी कुछ ऐसे हमारी हालत है, कैद ही है सोच लीजिए, मतलब पैसे दे के भी कैद है। और बाहर मैं ऐसे घूम नहीं सकती क्योंकि हमारे जो पड़ोस वाले हैं, कभी मैं बताऊंगी कि मकान मालिक से ज़्यादा जो हमारे बगल में रहते हैं वो ज़्यादा ये करते हैं, जानबूझ के कुछ ऐसा चीज़ गिराना, ये कराना, वो कराना, कि इन्होंने करके रखा, ये करके रखा, ताकि हम लोग जल्दी घर छोड़े और मकान मालिक के नज़र में वो अच्छे हो जाए। सिचुएशन ऐसे हालत में है, कैद टाइप के नहीं होते उस टाइप से, और कुछ कर नहीं पा रही हूँ, बस छटपटा रही हूँ। और हमारे घर में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है, उधर जल्दी से बन भी नहीं रहा है। दोस्तों मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, बस जो हमारे साथ होती है मैं आप लोग से बताती हूँ, और अच्छा लगता है कहीं ना कहीं सांत्वना मिलती कि कोई तो है सुनने वाले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और बहुत सारे वीडियो भाई के वीडियो में कमेंट आ रहे हैं कि दीदी को कब ला रहे हो, अभी सिचुएशन मेरी वैसी नहीं है, लेकिन जाऊँगी, भाई खुद आएंगे लेने के लिए जब हमारे घर बन जाएंगे वास्तु में, पूरे पापा अंजलि सब आएंगे, मैं कोशिश करूँगी। लेकिन अंजलि की थोड़ी तबीयत अभी खराब है, अगर जैसे वो ठीक होगी मैं बोलूँगी उसको भी देखिए।